बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। क्या इसे प्राप्त करने के लिए सांसारिक भोगों का त्याग करना जरूरी है? जी हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सांसारिक भोगों का त्याग करना जरूरी है। अध्यात्म का अर्थ है अधिजमा आत्मा, आत्मा संबंधी। हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। इन ज्ञानेन्द्रियों से हम कर्मशः 5 विषयों का कर्म करते हैं। रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श को ग्रहण करते हैं। यही हमारे सांसारिक भोगों का आधार है। संतों और भगवंतों का स्पष्ट उद्देश्य है कि इन 5 ज्ञानेन्द्रियों से कुछ भी ग्रहण होता है वह माया पदार्थ है। इनसे हम आत्मा और परमात्मा को नहीं जान सकते। जब हमारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, तो वह बाहर के माया पदार्थों या विषय भोगों को ग्रहण करती है। उस समय हमारा मन बिल्कुल बहिर्मुखी रहता है। इस अवस्था में आत्मा का ज्ञान तो दूर की बात है, आत्मा का ध्यान होना भी मुश्किल है। आत्मा संबंधी अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक को अपने शरीर के अंदर चलना पड़ता है। यह अंतर्गमन ध्यान के द्वारा संभव होता है, और जब साधक ध्यान की अवस्था में जाना चाहता है तो उसे अपने मन को इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर विचार शून्य करना पड़ता है। यदि हमारा मन और हमारी इंद्रियां बाहर के विषय भोगों में दौड़ती रहेंगी तो यह असंभव है कि उसे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सांसारिक भोगों का त्याग करना चाहिए। त्याग का मतलब यह नहीं है कि हम खाना, देखना, सुनना, छूना, सूंघना सब त्याग दें। त्याग का भाव यह है कि इंद्रिय के भोगों को हम आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करें, उतना ही देखें, उतना ही सुनें, उतना ही चखें जितना कि आवश्यक हो। इस प्रकार का संयम होने से मन और इंद्रियों की चंचलता कम रहती है, जिससे ध्यान के समय साधक को मन इंद्रियों को समेटने में आसानी होती है और साधक का ध्यान अच्छे से लगने लगता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।